हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर में डील करता है। इस कंपनी का हम पूरा का पूरा बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा इस कंपनी के अंदर में क्या बातचीत चल रहा है वो रीड करेंगे, साथ साथ में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और आने वाले वक्त में क्या ये कंपनी ग्रो कर सकता है कि नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये अभी से नहीं, लास्ट 5 ईयर्स पहले ये एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। मतलब जो चाइना प्लस वन आज आप सुनते हो कि मतलब अल्टरनेटिव ऑफ चाइना, जहां पे ग्लोबल लीडर पूरा का पूरा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब स्पेशली केमिकल्स डिवीजन की अगर बात करें, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो गया, पेंट्स कोटिंग्स हो गया, पॉलीमर एडिटिव्स हो गया, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस हो गया, या जो भी स्पेशली केमिकल टेक्सटाइल ये सब हो गया, तो उस सेक्टर्स में काफी तेजी से ग्रोथ और हो सकता है। तो उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से ये एक केमिकल कंपनी है जो काफी वेल नोन है, लेकिन अभी के टाइम पे माइक्रो कैप है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ में आप हमारा कहो तो ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं शॉर्ट टर्म स्टॉक्स रिसेंटली रिकमेंड किया था। मेरा स्विंग ट्रेडिंग करके स्टॉक देख लेना, इसके अंदर मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किया, आज वो सारे के सारे ऊपर है, राइट। तो ट्विटर पे जाकर के आप कशफुर दुनिया टाइप कर सकते हो, राइट। अब इस कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल में, ये कंपनी है क्या, राइट, और क्या करता है। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, फाइनोटेक्स केमिकल करके कंपनी है, छोटी कंपनी, अभी के टाइम पे 96 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर मेरे लिए बिजनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लुकिंग एट अ स्टॉक प्राइस, बिकॉज मैं इस वक्त इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहा हूँ। सो कंपनी क्या करती है, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स फॉर टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डील करते, खास करके कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री, इन सब चीजों के लिए कंपनी स्पेशल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो टेक्सटाइल के अंदर में, अभी के वक्त भी टेक्सटाइल मतलब उसके लिए केमिकल्स बनाना, जो हम पूरा आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोड्यूसर फॉर 4 डेकेड, 40 साल के ऊपर का इस कंपनी में एक्सपीरियंस हो गया है। मार्केट लीडिंग पोजिशन इन द इंटरनेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड उनके साथ काफी अच्छा खासा इनका टाइप है इंटरनेशनल मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके बाद कंपनी के पास लगभग 450 डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं, 60+ कंट्रीज में अवेलेबल है। अभी के टाइम पे कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है लगभग कहूँ तो 43,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। इनका एक मलेशिया और दूसरा नवी मुंबई में अवेलेबल है प्लांट, राइट। जो इंडिया का जो प्लांट है उसका काफी ज्यादा कैपेसिटी एज कम्पेयर टू मलेशिया का, जिसका 6,500 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से। इनके पास 100+ डीलर्स है इंडिया में एंड इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में, और 50% ऑफ द सेल्स इस कंपनी का 60 कंट्रीज से आता है। मतलब जो भी बाहर की जो इंटरनेशनल कंपनीज है, या बाहर अगर हम बात करें जैसे कि ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, ये सारी की सारी कंट्रीज से लगभग इस कंपनी को 50% के आसपास सेल्स कंट्रीब्यूट होता है। मतलब डोमेस्टिक से सिर्फ इस कंपनी को 50% के आसपास बिजनेस आता है, बाकी इंटरनेशनल से 50% के आसपास आता है, राइट। ये माइक्रो कैप कंपनी, प्लीज नोट, तो रिस्क इन्वॉल्व होगा, पर ये कंपनी काफी बेहतर कर रही है कुछ सालों से, लास्ट 5 ईयर से मेरे ख्याल से। तो बायोटेक 73% ओन नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन फैक्टर 10x सिंस एक्विजिशन ऑफ 2011। इस कंपनी को फिनटेक्स केमिकल लिमिटेड ने 2011 में एक्वायर किया था 73%, मतलब इनकी एक तरह से सब्सिडरी कंपनी है, जो एक तरह से एक दूसरे को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ये मलेशिया बेस्ड कंपनी है जिसको इस कंपनी ने एक्वायर किया था, सो दैट अपने बिजनेस और एक्सपांड कर सके, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और ग्रो कर सके। सक्सेसफुली एंट्री इनटू होम केयर, हाइजीन एंड ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल्स। रिसेंटली इस कंपनी ने अभी के वक्त में अगर हम बात करें होम केयर, हाइजीन और ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल्स में भी इंटर किया है। ये पहले जिस सेगमेंट थे, अब अपने प्रोडक्ट्स मिक्स को और इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल इन इंडियन मार्केट, मतलब मार्केट इंडियन मार्केट में काफी नोन कंपनी है। रेपुटेशन फॉर डाइवर्स एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्योंकि इनके पास 450 के ऊपर कैटेगरीज है। डीप कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब अच्छा खासा इनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस और डेफिनेटली अच्छा कस्टमर बेस भी है। तो इस कंपनी का अगर हम बात करें फ्यूचर ड्राइविंग ग्रोथ, जो टेक्सटाइल स्पेशलिटीज है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दूसरा होम केयर स्पेशलिटीज में रिसेंटली है, हाइजीन स्पेशलिटीज में, ड्रिलिंग स्पेशलिटीज में, जो इनका जो कोर मैन्युफैक्चरिंग जो इनका मेन है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर में भी टेक्सटाइल में, जहां से ऑलमोस्ट कंपनी को 97% के आसपास बिजनेस आता है, राइट। अब बात करते हैं कंपनी का नेक्स्ट जो फोकस अभी के टाइम पे जो कंपनी कर रही है, और दूसरे स्पेशलिटी सेगमेंट्स में जहां पे ऑलरेडी ये इतना डेवलप नहीं है,
जैसे कि फिलहाल ये कंपनी होम केयर एंड हाइजीन केमिकल्स में डील करते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हाउसकीपिंग के लिए, किचन केयर के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। रिसेंटली इस कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने FDA अप्रूव कर चुके, लाइसेंस मिल चुका है, जिसकी वजह से इनका सेल्स और इंक्रीज हो सकता है, राइट। ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, कस्टमाइज सॉल्यूशन फॉर ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए भी ये केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं स्पेशलिटी की, जहां से कंपनी आने वाले वक्त में डिसेंट ग्रोथ यहां से मिल सकता है, बट इनका मानना है कि होम एंड केयर एंड हाइजीन से ज्यादा ग्रोथ होगा, राइट। अदर स्पेशलिटी केमिकल्स में मॉस्किटो लाइफ साइकिल कंट्रोलर, यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे ये नॉन टेक्सटाइल सेगमेंट विल ड्राइव वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म। तो इनका मानना है अभी के टाइम पे कंपनी का जो बिजनेस मेजोरिटी आता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, मतलब टेक्सटाइल में जो स्पेशली केमिकल से बनाते हैं, जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट ओवर द पीरियड ये कंपनी बिलीव करती है कि नॉन टेक्सटाइल सेगमेंट विल ड्राइव वॉल्यूम, मतलब इनका वॉल्यूम भी ग्रो होगा सेल्स का, साथ साथ में कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी कर पाएगा। उसके लिए कंपनी क्या क्या कर रहा है यहाँ पे देखना है, ये सारी कंपनी इसके प्रोडक्ट है। उसके बाद होम केयर एंड हाइजीन डिवीजन में कंपनी ने कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए, हाउसकीपिंग के अंदर भी आप देख सकते हो कितने सारे प्रोडक्ट्स है, किचन केयर में कितने सारे प्रोडक्ट है, डिसइनफेक्शन में कितने सारे प्रोडक्ट है। तो ये सारे के सारे कंपनी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट ये सारे सारे प्रोडक्ट्स है, सो ईस्ट एंड वेस्ट पूरे इंडिया में अवेलेबल है। रिसेंटली कंपनी ने इस Q4 में नए 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड किए हैं, साथ साथ में 8 मार्केटिंग टेक्निकल एसोसिएट हायर किए हैं, मतलब जो ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए आपको टेक्निकल साथ साथ में आपको उस चीज का प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए और मार्केटिंग करने भी आना चाहिए। तो उन्होंने रिसेंटली 8 टेक्निकल जो मार्केटिंग टेक्निकल एसोसिएट को हायर किया है मार्च में, राइट। सो यहाँ से आप सब देख रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, और बात करेंगे स्पेशली टेक्सटाइल केमिकल्स ओवरव्यू, मतलब जहां पे प्रोवाइड करते हैं क्या कहाँ पे इनका जो केमिकल्स है टेक्सटाइल में कहाँ कहाँ यूज होता है। जब कपड़ा बुनाई होता है, मतलब धागे की बुनाई होती है जिससे कपड़ा बनता है, वहां पे भी ये पॉलीमर और सॉफ्टनर प्रोवाइड करते हैं, जिनके प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट में भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है एंजाइम वेटिंग एंड डिटर्जेंट, ये सब चीजें, ये सब प्रोवाइड। फिर दूसरा डाइंग, जब जब कपड़ा आगे बढ़ता है तो उसमें भी ये कंपनी और केमिकल्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद जब प्रिंटिंग होता है वहां पे भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फिनिशिंग प्रोडक्ट्स होता है वहां पे भी कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब कंपनी पूरे के पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा पूरा सिर्फ वॉश के लिए ये केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल चेन है, केमिकल वैल्यू चेन है इसके अंदर में, उसके अंदर पूरा डील करते हैं। इनके पास काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वेलस्पून इंडिया हो गया, रेमंड हो गया, विमल हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके साथ इनका टाई अप है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। सो इनका जो हेल्प करते हैं फाइनटेक्स और बायोटेक्स टूगेदर ऑफर टेलर सोल्यूशन अक्रॉस द टेक्सटाइल वैल्यू चेन विद अ फोकस ऑन हायर रियलाइजेशन। सो ये काफी बेहतर, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिनिशिंग लास्ट प्रोडक्ट है वहां पे ये सॉफ्टनर, सिलिकन, पॉलीमर, रेजिन ये सब प्रोवाइड करते, ये हर एक प्रोसेस के अंदर में ये प्रोवाइड करते, जहां जहां पे कपड़े से शुरुआत से लेकर के एंड तक। तो ये चीज आपको नोटिस करना है जिसकी कंपनी के अंदर बेहतर, मुझे सबसे ज्यादा कोर स्ट्रेंथ और एंट्री बैरियर यहीं पे दिख रहा है कि दूसरे प्लेयर्स इसमें एंटर नहीं कर सकते आसानी से। उसके बाद इनका जो रिसेंटली अभी प्लान है, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से कमेंट्स हो चुका है जिसकी वजह से शेयर प्राइस में काफी तेजी देखने को मिला है, ये स्टॉक आई थिंक मैंने 80 बहुत पहले भी वीडियो बनाया हूँ, आई थिंक अपलोड रहेगा वीडियो, जाकर चेक कर लेना। और रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले भी मैंने ये इसके ऊपर सजेशन दिया था। अब यहाँ पे ये मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, राइट, कि आपको कम से कम इस कंपनी का आइडिया मिल सके, राइट। तो यहाँ पे कंपनी लोकेटेड 4 acres ऑफ लैंड, अभी के टाइम पे ये कंपनी ब्राउन फील्ड एक्सपांशन कर रही है 4 acre लैंड के अंदर में। द फैसिलिटी प्रोग्रेसिंग एज पर शेड्यूल एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन Q1 2022, जहां पे ऑलमोस्ट कहो तो 270 मिलियन रुपीज के आसपास डिप्लॉय करने वाले, उसमें से 200 मिलियन रुपीस के आसपास ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इन चीज को क्या फायदा होगा, कैटर टू कस्टमर डिमांड इन एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल स्पेशलिटीज, मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है टेक्सटाइल सेक्टर में इनके पास, उनको और अच्छा खासा उनका डिमांड मीट कर सके। फास्ट ग्रोइंग होम केयर एंड हाइजीन ड्रिलिंग स्पेशलिटी बिजनेस, अभी के टाइम पे जो अदर बिजनेस है वर्टिकल्स है होम केयर हाइजीन ये सब भी ग्रो हो रहा है, तो वहां पे भी कंपनी को हेल्प करने मिलेगा, राइट। स्टेट आर्ट ऑफ ऑटोमेटेड यूनिट विल बी फुल्ली कंप्लायंट विद द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो इनके पास ऑटोमेटिक ये जो प्लांट दिख रहा है ये इनका इधर पे भी चालू करें। अपकमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइन एंड न्यू ग्रोथ एरियाज। सो कंपनी साथ साथ में नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च
कर रही है, साथ साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इनके पास क्लाइंट है उनका डिमांड और ज्यादा मीट करने के लिए, साथ साथ कंपनी का जो करंट कैपेसिटी प्रोडक्शन है 43,000 टन पर एनम के हिसाब से उसको और इंक्रीज करना चाहती है। मतलब कंपनी ओवर लॉन्गर पीरियड में काफी अच्छा कर सकती है, यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनका स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब आगे का प्लान क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका दोनों जो टाइप हुआ था फिनटेक्स और बायोटेक सिनर्जी का, उससे कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। लेवरेज फिनटेक्स इंडस्ट्री इनसाइट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप विद बायोटेक्स हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपर्टाइज एंड रीजनल पोजिशनिंग टू सेवरल ग्लोबल कस्टमर्स। तो इनके पास दोनों का रिलेशनशिप होने की वजह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके इस कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद रिसेंटली जो ग्रीन फील्ड एक्सपांशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लस ग्रीन फील्ड अपकमिंग ब्राउन फील्ड फैसिलिटेट अंबरनाथ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फ्यूचर रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल कंपनीज टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। सो इनका बहुत सारा मतलब ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी सेटअप है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले, न्यू प्रोडक्ट्स कैटेगरी जिसके अंदर इंटर करे होम केयर हो गया, ड्रिलिंग स्पेशलिटीज हो गया, टेक्सटाइल केमिकल बिजनेस हो गया, इसके अंदर फोकस करे। ग्रो मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग इन हाउस डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, ग्रो मार्केट शेयर अक्रॉस एक्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर इन बोथ इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट। सो कंपनी अभी के टाइम पे इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली दोनों ही फोकस कर रहे हैं, जहां पे न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, राइट। साथ साथ में इस कंपनी का डिसिप्लिन ये है कि वो जो कैपिटल एलोकेशन कर रहे हैं, जो भी ब्राउन फील्ड है किसी चीज के लिए भी कर, ग्रीन फील्ड के लिए, एक्सपांशन के लिए, वो इंटरनल एक्रुअल के थ्रू कर रहे हैं, वो बाहर से कोई डेट इंक्रीज नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म डेट का तो कंपनी डेट फ्री, ये नोटिस करना, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट काफी इफिशियंट है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट क्या बातचीत करे, व्हाट मैनेजमेंट्स आर टॉकिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कंपनी जब स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी बाय करते हैं वहां पे मैनेजमेंट डिसीजंस क्या ले रहे हैं, राइट, वो चीज जानना जरूरी है। सो हाइलाइट्स की बात करें, विद इन द होम केयर, ये पूरा का पूरा उनका जो 20 पेज का कॉन कॉल है वो रीड करके मैंने कुछ तो 2 या 2.5 पेज का बनाया है। विद इन द होम केयर एंड हाइजीन वी फोसी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू कोलेबरेट विद अ लीडिंग ब्रांडेड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर फॉर देयर पॉलीमर रिक्वायरमेंट। सो अभी के टाइम पे इन्होंने जिनको अपॉर्चुनिटी होम केयर हो गया, हाइजीन हो गया, वहां पे इनको काफी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिनके साथ 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 में इन्होंने एक डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में अपना टाई अप किया है, जहां पे पॉलीमर रिक्वायरमेंट के साथ जो डिमांड है उसको मीट कर सके। आवर प्लान हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड एंड सर्टन एफटीए। तो अभी के टाइम पे जो भी इनका जो प्लान था ये होम केयर हाइजीन यहाँ पे, इनको ऑलरेडी एफडीए मिल चुका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, राइट। इनके पास जो टॉप 10 कस्टमर ऑलमोस्ट 35% के आसपास सेल्स कंट्रीब्यूट करता है, राइट। मतलब टोटल 100 कस्टमर से ऐसे 35 कस्टमर है जो पूरा का पूरा बिजनेस में 35% वही कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम ड्रिलिंग स्पेशलिटीज की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर ऑफरिंग सोल्यूशन टू लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी बेस्ड इन इंडिया। तो मतलब इनसे पूछा गया, आप जो ऑयल एंड गैस वहां पे स्पेशली केमिकल्स प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वहां पे आपको क्या ग्रोथ दिखता है। सो इन्होंने पूछा, बोला कि आने वाले वक्त में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आवर सब्सिडरी इन मलेशिया बायोटेक्स लीड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब ये जो ऑयल एंड गैस का जहां पे स्पेशली केमिकल्स प्रोवाइड करने वाले, उसके लिए बायोटेक्स का मलेशिया बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है, वो हेल्प करे पूरा का पूरा। फाइनटेक्स एंड बायोटेक्स कंप्लीमेंट ईच अदर स्ट्रेंथ एंड कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अपकमिंग ब्राउन फील्ड इन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि हमारा एक्सपांशन किस तरह से ग्रो करने वाला, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अंबरनाथ टियर मुंबई इज प्रोग्रेसिंग एज पर शेड्यूल एंड एक्सपेक्टेड टू कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर FY 2022। सो अभी के टाइम पे मेरे ख्याल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका रहेगा, तो इस कंपनी का कैपेसिटी और इंक्रीज होगा, राइट। आवर कॉन्फिडेंस टीम फ्रॉम आवर इंक्रीजिंग कस्टमर बेस, तो इनका करंटली कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है। आवर रिसेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस, और क्योंकि इन्होंने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स और ऑफर करने की वजह से कस्टमर बेस जो ऑलरेडी था वहां से वॉल्यूम भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लांट विल कैटर टू आवर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एक्सपांशन, इंक्रीज आवर यूटिलाइजेशन अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग। सो इनका जो नया प्लांट है उसके वजह से नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स अपने न्यू क्लाइंट्स और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ऑफर कर पाएंगे, राइट। ये ऑलरेडी हमने बात किया 200 मिलियन, जिसमें से 200 मिलियन ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, 70 मिलियन अभी भी डिप्लॉय करना बाकी है, तो जिसके वजह से इनका सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कंपनी कंजर्वेटिव अप्रोच करती है, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि फंडिंग एक्विजिशन जिन्होंने बायोटेक्स 2011 में एक्वायर किया था, वो भी खुद के पैसे से। रिसेंटली कंपनी ने आई थिंक 40 रुपीज के आसपास, बहुत 40 लाख के आसपास शेयर एक्वायर किया है, मतलब बायबैक किया है कंपनी, ये भी एक चीज आपको नोटिस कर रहा है। मतलब कंपनी बिलीव करती है कि उनके पास जितना शेयर होगा, कंट्रोल होगा, उतना कंपनी लॉन्ग टर्म में उनके पास और बेहतर होगा, तो ये चीज आपको नोटिस कर रहा हूँ। कंपनी 40 रुपए में जब बाय किया था, आज वो 95 रुपीज का है, तो ऑलमोस्ट 100% ऊपर जा चुका है, मतलब इनका वेल्थ रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुआ है, राइट। उसके बाद
We have invested 242 million rupees, which is close to 65% of operating cash flow. Expansion of business reflecting prudent cash management and focus entry into high growth business. तो अभी के टाइम पे ये मतलब एक्सपांशन पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इनका जो अभी के टाइम पे 65% ऑपरेटिंग वो काम कर रहा है. साथ साथ में यहाँ पे इनका जो एंट्री इनटू हाई ग्रोथ बिजनेस, जो ये होम केयर ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ, हाइजीन, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को लगता है ओवर द पीरियड कंपनी हाई कैश फ्लो और ये सब जनरेट करना कर पाएगी, राइट. उसके बाद हम बात करें, इनसे किसी ने पूछा हाउ यू सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड. वन वन ऑफ कोर्स ड्यू टू द कोरोना वायरस एंड इम्प्लीकेशन दैट वी आर हैविंग एंड सेल्स इन द नेक्स्ट 2 इयर्स. तो अभी के टाइम पे कोविड की वजह से आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आने वाले 2 साल में आपका कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, इनो से किसी ने पूछा. तो कस्टमर स्टार्टेड डिमांडिंग, जो ये कह रहे हैं कि जो इस कंपनी के मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं कस्टमर हैज डिमांडेड टेक्निकल टेक्सटाइल एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन फैब्रिक्स. तो अभी के टाइम पे टेक्निकल टेक्सटाइल वो मतलब प्रोडक्ट जो मतलब एक तरह से कहूँ तो आपको प्रोटेक्ट कर सके मतलब वायरस या ऐसे जो रहते हैं नॉन सब्सटेंसेस, उसकी बात कर रहा हूँ. देर इज अ बिग ट्रेंड ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स. देर हैज बिन जंप इन द ट्रेंड ऑफ वाटर रिपेलेंट, ऑयल रिपेलेंट एंड मॉइस्चर मैनेजमेंट. तो ये मतलब एक तरह का जो केमिकल्स बनाना है जो कपड़े के ऊपर लगाते हैं रेनकोट जैसा, जो कि मॉइस्चर हो गया या वाटर रिपेलेंट हो गया या एंटी माइक्रो, उससे उसको प्रोटेक्ट कर सके. तो ऐसा केमिकल्स ये डेवलप कर रहे हैं, राइट. और वहां पे काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिला है. आवर मेन फोकस ऑन टेक्सटाइल बिजनेस हैज बीन स्पेशलिटी टेक्सटाइल फिनिशिंग एजेंट्स एंड टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल. तो अभी के टाइम पे फिनिशिंग एजेंट जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है और जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है. देयर आर वैल्यू एडेड फिनिशिंग प्रोडक्ट इन विच बायोटेक्स क्वाइट बिग पाइनियर. तो यहाँ पे ऑलरेडी बायोटेक्स है वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर में, जहाँ पे यूएसए हो गया या फिर इनका दूसरा, जहाँ पे पहले जो लोग यहाँ पे फ्रॉम यूरोप यूएसए आर लुकिंग एट अल्टरनेटिव चाइना. सो पहले चाइना से लेकर के आते हैं, तो अब मेरे ख्याल से इस कंपनी का फायदा हो सकता है, ऐसा इनका मानना है. देर इज अ बिग डिमांड विच हैज टू कम टू इंडियन मार्केट ऑल्सो. तो आने वाले वक्त में यहाँ पे डिमांड और इंक्रीज हो सकता है. वी हैव बीन ऑल्सो वेंचरिंग इन टू क्लीनिंग एंड हाइजिंग बिजनेस, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया. तो ये कह रहे हैं कि हम साथ साथ में हाइजीन और होम केयर इसके अंदर में घुस रहे, जहां से हमको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा और तेजी से ग्रोथ हो सकता है. इनके पास जो मोस्ट ऑफ द रिलायंस ऑटोमोटिव ऑर्डर्स, जो रिलायंस के ऑटोमोटिव ऑर्डर्स होते हैं, इनको बायोटेक्स टेक्निकल प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब इनसे ही लिया जाता है. रिलायंस की कंपनी जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के लिए वो बायोटेक्स टेक्निकल प्रोडक्ट प्रेफर करती है फॉर देयर टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड देयर ऑटोमोटिव्स. एंड ऑल्सो हैव बीन इक्विटेड बायोटेक्स विच फिनटेक्स इम्पोर्ट्स एंड स्टॉक फॉर रिलायंस. और साथ साथ में मतलब जो भी चीज है वो बायोटेक्स से फिनटेक्स कंपनी एक्वायर वहां से लेकर के आती है स्टॉक रिलायंस के लिए रखने के लिए. वी आर मच डाइवर्सिफाइड. ये कंपनी इस टाइम पे सोचो इतना सारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो मे बी अच्छा कर सकता है लॉन्ग टर्म में. 10 प्रोडक्ट्स ओनली अराउंड 20% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब इनके 10 ऐसे प्रोडक्ट है जो 20% का पूरा वेटेज रखते हैं. वी हैव बीन टोटली डाइवर्सिफाइड. वी डू सोल्यूशन फॉर प्री ट्रीटमेंट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रिंटिंग फिनिशिंग एंड ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन दिस कंपनी प्रोवाइड फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू द फाइनल स्टेज. तो पूरा का पूरा वैल्यू चेन में प्रेजेंट है टेक्सटाइल के, राइट. पॉलिथीन हो गया, पॉलिस्टर, वूल, नाइलॉन, एक्रिलिक एंड कमिंग इन टेक्सटाइल एंड फ्लोरोकार्बन. तो ये सारा का सारा कंपनी प्रोवाइड कर रही है, राइट. वी आर कैटरिंग इंडिया राइट फ्रॉम द चेन ऑफ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो क्लाइंट्स इनके बड़े बड़े ऑरो टेक्सटाइल, महावीर स्पिनिंग, नाहर ग्रुप, रिलायंस आई एक्सपोर्ट, हिम्मत सिंगा या फिर जितनी सारी रेमंड, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं सब इनके एक तरह से क्लाइंट है जिनको ये कैटर करते हैं, जहां पे स्पेशलिटी केमिकल्स टेक्सटाइल का प्रोवाइड करते हैं. आई मीन ऑलमोस्ट ऑल द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, मतलब इनका जितने बड़े बड़े हाउसेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में, उन सबको एक तरह से कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट. वी आर सप्लाइंग ऑलमोस्ट इंडिया टॉप 80 कॉर्पोरेट टेक्सटाइल हाउसेस एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अराउंड 100 डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया. सो कंपनी कम से कम 80 ऐसे कॉर्पोरेट इंडिया में जो काफी बड़े बड़े टेक्सटाइल हाउसेस है उनको ये केमिकल्स प्रोवाइड करती है, राइट. इन लास्ट क्वार्टर वी हैव इंक्रीज सेल्समैन फोर्स टू मार्केटिंग एंड दिस प्रोडक्ट एंड वेरी गुड प्रोडक्ट फीडबैक आर गिविंग फ्रॉम द कस्टमर, राइट. सो यहाँ पे कमी, राइट, सॉरी. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसेंटली इस कंपनी ने मार्केटिंग टीम्स और इंक्रीज किया या सेल्स फोर्स और इंक्रीज किया, क्योंकि इनको काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करने के लिए लोगों की जरूरत है, राइट. तो ये पूरा का पूरा चीज साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी मैनेजमेंट एक्सपांशन पे फोकस कर रहा है, ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, ज्योग्राफी की एक्सपांशन कर रहा है, प्रोडक्ट्स नए नए लॉन्च कर रहा है, इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस अच्छा है. अब हम देखेंगे कि इसके अंदर में इस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, वो जानना काफी जरूरी है, राइट. सो वो भी चेक कर लेते हैं.
सो यहाँ पे फिनटेक्स केमिकल आप देख सकते हो 96 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी के टाइम पे ये अपना लाइफ टाइम हाई जो 2017 में स्टॉक 101 रुपए के 106 रुपए के आसपास गया था, तो चांसेस स्टॉक फिर से 106 रुपए के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटी लगता है, राइट। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको देखना है कि बिकॉज ऑफ द बिजनेस ये स्टॉक मैं एक तरह से सजेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज नथिंग, राइट। ये स्मॉल कैप कंपनी कहूं तो स्मॉल भी 1000 करोड़ के आसपास है, 1037 करोड़ के आसपास हाई रिस्क है बीटा का वैल्यू, क्योंकि ये कहूं तो माइक्रो कैप में आता तो रिस्क को काफी ज्यादा हाई रहा है, क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हो जब से ये 2011 से या 2015 के बाद आप देख रहे हो कि स्टॉक काफी फ्लक्चुएशन कर रहा है, मतलब कोई स्टेडी ग्रोथ नहीं है, फिर भी 280% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है लास्ट जब से ये लिस्ट हुआ है, राइट। इस कंपनी का हम फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, लास्ट 5 ईयर्स या 4 ईयर्स में कंपनी का काफी ग्रोथ देखने मिला है। यहाँ पे देख सकते हो 146 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 183, 197 करोड़, 236 करोड़, सो कंपनी का टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। साथ साथ में कंपनी की प्रॉफिट की बात करें, 22 करोड़, 22 करोड़, 13 करोड़, 42 करोड़, तो 2021 में काफी अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला एज कंपेयर टू 2020 और 19 में। तो ये कंपनी काफी ज्यादा कहूँ तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी कंपनी का कभी कभी डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस साथ साथ में रॉ मटेरियल एक्सपेंस जो पिग जो भी इसके अंदर यूज किया जाता है वो काफी ज्यादा आता है, इसलिए इस कंपनी का एबिट्टा डिक्लाइन हुआ है। सो इसके लिए मैं कंपनी पे आने वाले 5 साल के ऊपर का एक तरह से विजन रखता हूँ, उससे पहले का नहीं रखता, राइट। तो मुझे इसके लिए कंपनी का रेवेन्यू जब ग्रो हो रहा है तो ओवर द पीरियड कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट करेगी, जब कंपनी का एबिट्टा इंप्रूव होगा, जब कंपनी का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। साथ साथ में कंपनी के पास अगर हम बात करें कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा, मतलब कंपनी बैंकरप्ट नहीं होने वाला है, राइट। साथ साथ में कंपनी का रिसीवेबल भी काफी ज्यादा पेंडिंग है, क्योंकि कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंपनी को एक चीज फोकस करना पड़ेगा। कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट, कंपनी डेट फ्री है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट मी सी कहाँ पे क्या कंपनी का टोटल लॉन्ग टर्म डेट देखो, कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस एक तरह से कहूँ तो काफी इंक्रीज हो रहा है, टोटल इक्विटी अगर आप देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यूअसली कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, जो कि काफी एक पॉजिटिव साइन है, राइट। मेरे लिए तो पॉजिटिव साइन है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे 3 साल से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2021 में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, क्योंकि कंपनी पूरा अपना एक्सपांशन कैपेसिटी ये सब पे फोकस कर रहा है ब्राउनफील्ड पर, जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लाइन हुआ है, राइट। साथ साथ में कंपनी का कैपेस देखोगे तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, 2 करोड़ था, 7 करोड़, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 6 करोड़, फिर 24 करोड़, तो 2021 में कंपनी ने काफी ज्यादा कैपेक्स उठाया है, जिसकी वजह से कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे साफ साफ नजर आ रहा है ये कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक बिल्कुल नहीं है, मे बी ग्रोथ स्टॉक के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा लगा है, और जितने भी रीजन मैंने डिस्कस किए वो मुझे काफी पसंद है इस कंपनी में। साथ साथ में इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखो तो 64.82% के आसपास टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफी बेहतर है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेक आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस अपना स्टेक इंक्रीज कर, लास्ट 3 क्वार्टर में काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिला, 6.15% स्टेक है एक माइक्रो कैप कंपनी में, मतलब उनको भी लगता है कंपनी आने वाले 5 साल में अच्छा कर सकता है, तो इसके लिए हाइयर चांसेस ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे, राइट। सो होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगर आपको मेरा शॉर्ट टर्म स्टॉक्स वाला वीडियो डेफिनेटली देखना है तो जाकर के चेक करना, इसमें मोतीलाल ओसवाल हो गया या आपका ग्रैनुल्स इंडिया हो गया, सिस हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड जो काफी परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। साथ साथ में SH केयर का मैंने ये वीडियो डाला था, जो कि काफी माइक्रो कैप कंपनी है और मेरे ख्याल से वो भी काफी लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।